नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद, हमारे साथ हैं अरुण जी जो कि हैं अरुण एग्रो इंडस्ट्रीज से, निर्माता हैं, कृषि यंत्र से रिलेटेड ये उपकरण बनाते हैं। आज इन्होंने बनाया है ये बैको लोडर जो कि है स्वराज 963 एफई पर। इसके पहले भी इन्होंने कई सारे बनाए हैं जो कि सफलतम काम कर रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने निर्माण किया है इस बैको लोडर का, जिसमें काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, जो जो कमियाँ थी ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर दी हैं। पूरा जेसीबी के मॉडल पर बनाया गया है और इसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी के जो पार्ट्स हैं यूज़ करे हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे क्या क्या खास बात इसमें डाली हैं, क्या क्या चेंजेस करे हैं, कितनी क्षमता का क्या बकेट यूज़ करा है, क्या बूम साइज है, सब कुछ इनसे जानेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका अरुण जी हमारे इस वीडियो में, और बताइए क्या खास है इस बैको लोडर में, क्या ये मार्केट में जो और जेसीबी कैट वगैरह हैं उनसे कम्पीट कर पाएगा, कितना काम करेगा, क्या क्षमताएँ इसकी होंगी? ये जेसीबी के बराबर ही काम करता है। हमने जो इसमें बकेट बूम और ये जो सारे जैक यूज़ किए हैं वो सारे के सारे जेसीबी की क्षमता के ही हैं, और सेम साइज़ सेम थिकनेस इसमें हमने यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लोडर जेसीबी से ज़्यादा हाइट में दिया हुआ है, जो कि जेसीबी से ज़्यादा हाइट पे माल लोड कर सकेगा। और इसमें हमारे पास 14 फीट हाइट में भी लोडर है, और ये जो लोडर है ये 12 फीट हाइट में दिया हुआ है हमने, मतलब 12 फीट हाइट तक खाली करेगा ये जो है ये लोडर 12 फीट तक की डंपिंग हाइट है इसकी। और इसके बाद 4 सिलेंडर में लोडर है। इसमें हमारा एक और बैको लोडर है जो कि आपने पहले देखा होगा स्वराज 963 टू व्हील ड्राइव पे, जिसमें हमारा लोडर जो है फ्रंट का वो 6 जेक में 14 फीट हाइट में है हाई डम्प बकेट के साथ, जिसे HDP बोलते हैं अपन जी। चलो अब ये बताओ इसके साइज वगैरह क्या रखा है, कितना माल इसमें आएगा? ये जो बकेट है ये 6 फीट हमने लंबी दी है, ये इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है और 2 फीट गहरी है, 6 फीट है जी, 2 फीट गहरी है। हाँ, 2 फीट ये गहरी है और यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 फीट चौड़ी है। और इसमें हमने यहाँ पे जो जेसीबी वाले तीत हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी इसमें जैक अपन ने कौन से यूज करे हैं वो बताइए। इसमें हमने RMB के हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज किए हुए हैं, ये पूरे के पूरे हमारी डिजाइन पे बनाए गए सिलेंडर हैं लोडर के लिए। बैको के लिए हम पूरा का पूरा आपको इसमें जेसीबी डिजाइन देते हैं, ताकि आप कभी भी परेशान ना हो, मार्केट में आपको आसानी से मिलेंगे। होसेस वगैरह पंप के बारे में कुछ बताइए। इसमें हमने जो होस पाइप यूज किया है वो गेट्स कंपनी का है, पूरा का पूरा इसमें जो होस पाइप है वो गेट्स का यूज किया गया है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें हमने गियर पंप यूज किया है प्रेमको का, जो कि 80 लीटर प्रति मिनट ऑयल देता है, 80 LPM का पंप है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसमें दे रखा है ऑयल टैंक। कितनी क्षमता है इसकी? इसमें 120 लीटर ऑयल आता है। अच्छा। और 120 लीटर के बाद इसमें हमने ऑयल कूलर दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि ऑयल को ठंडा करेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल होने के कारण ये गर्म नहीं होगा और ऑयल कूलर भी उसको ठंडा करेगा। इसके बाद हमने इसमें पूरे लोडर में 38 mm की हार्ड पिन का यूज़ किया है। ये जो पिन दी गई है इसमें ये 38 mm की हार्ड पिन है, और सारी ग्रीस पिन है, पूरी की पूरी ये ग्रीस पिन है, सभी में ग्रीस के लिए पॉइंट दिए गए हैं। और यहाँ पे हमने इसमें फिल्टर भी यूज़ किए हैं, 2 फिल्टर मिलते हैं आपको। ये माइक्रो फिल्टर है जो कि धूल को भी पकड़ता है, माइक्रो फिल्टर है ये, जो कि ऑयल टैंक मतलब पूरी मशीन में ऑयल फिल्टर होके ही जाता है। एक चीज बताइए, जैसे मैंने जैसे मेरे पास जेसीबी है और उसमें जो फिल्टर यहाँ पे है उसमें मैग्नेट लगी हुई है, जो एमरीज वगैरह आती हैं, मतलब जो घिसावट से लोहे के कण आते हैं, तो वो पकड़ लेगा? बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लेगा, इसमें मैग्नेट लगी है। बिल्कुल बिल्कुल लगी है। अच्छा, ये बहुत ये माइक्रो फिल्टर है। हाँ, ये कचरे अच्छा, को धूल को सबको सोखता है। इसमें जो आउट होगा ना ऑयल, वहाँ पे भी क्या फिल्टर लगा? हाँ, वहाँ पे हमने इसमें स्टेनर, हाँ स्टेनर दिया है, जो कि उसमें जाली होती है लोहे की, उससे बारीक कण अंदर नहीं जाते हैं पंप में। और ये जो है फिल्टर ये धूल तक पकड़ता है, जो बारीक धूल होती है, ऑयल को बिल्कुल छान के फ्रेश ऑयल देता है बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया चीज़ जो है की गई है। मार्केट में जो भी निर्माता है ना, वो ये बारीकी से इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। मशीन चलेगी, अगर कोई भी कण जाता है वो आपके जैक तक पहुँचेगा, आपकी सीलें कटेंगी, ऑयल फैलेगा। जब यहाँ से कोई भी चीज़ मतलब जाएगा ही नहीं, ऑयल प्योर जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें सेफ रहने वाली हमेशा। तो अपन आगे आते हैं, कंट्रोल वाल के बारे में बताइए। हाँ, कंट्रोल वाल पे आए तो यहाँ पे हमने वेल वाल कंपनी का 2 लीवर में जॉयस्टिक कंट्रोल वाल दे रखा है, जेसीबी जो कि काफी हैवी ड्यूटी है, कर सकते हैं अपन। हाँ नहीं, जेसीबी देखिए, हाइड्रेन का जो कंट्रोल वाल आता है वो वेल वाल ही बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने इसमें एयर वीजर भी दिया हुआ है, जो कि टैंक के अंदर एयर अंदर जाएगा, यहीं से इसमें ऑयल डलेगा, ये इस तरीके से ओपन होता है।
यहाँ से इसमें ऑयल डाल भी सकते हैं और एयर भी सांस लेने के लिए भी होता है जी। अगर मतलब क्या होता है, जब ये गर्म होता है ना तो इसमें एयर बनती है, तो उस समय ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि नली वगैरह फटने का चांसेस वहीं से शुरू होता है, जब गर्म होता है तो बहुत एयर बनती है इसमें। अब हम चले पीछे तो बैको की तरफ, इसके बारे में बताइए क्योंकि मेन काम इसी का है, यही है मेन मशीन जी। तो यहाँ पे हमने स्टेपलाइजर दिए हुए हैं, जब मशीन काम करेगी तो स्टेपलाइजर खड़े होके इसी पे ये काम करती है, ठीक है। अच्छा, इनकी डिस्टेंस कितनी रखी है अपन ने? इसकी डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक 60 फीट है, मतलब 7 फीट दूरी है इसकी। हाँ, गैप जो है ठीक है 7 फीट की दूरी में है, और करीब ये 24 इंची बाहर निकलता है, 2 फीट तक ट्रैक्टर के टायरों को ये ऊपर कर सकता है, ठीक है। बूम का साइज क्या है अपने, बकेट का साइज क्या है? इसकी जो बूम है ये 12 फीट नीचे तक जाती है। अच्छा। और 12 फीट ही ऊपर जाती है। इसके अलावा हमने इसमें 30 इंची 2.5 फीट की बकेट दे रखी है, और मैंने बताया आपको गेट्स के होस पाइप हैं, और इसमें हमने काफी हैवी ड्यूटी पूरी जेसीबी की पिन यूज की है। आप कभी भी मटेरियल को लेके परेशान नहीं रहेंगे कि मुझे ये मार्केट में सब मिल जाएगी, सब पूरा मटेरियल आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। इसमें हमने 60 mm से लेके 45 mm 30 mm तक की पिन का यूज किया है, पूरा आपको मटेरियल मार्केट के अंदर, आप इंडिया में किसी भी कोने से इसके पार्ट्स ले सकते हैं। होस पाइप है आपका, या फिर कंट्रोल वॉल का है, या जैक का है, कोई भी मटेरियल आपको लेना है वो आपको मार्केट में मिलेगा। इसमें हमने दे रखी है कैनोपी जो कि सेम जेसीबी की जैसी है, और इसमें आगे हमने ग्लास दिया हुआ है कांच, बारिश के समय काम करने के लिए या धूल मिट्टी से बचने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमने 4 लाइटें इसमें पीछे दी हुई हैं, 4 लाइटें आगे दी हैं रात को काम करने के लिए, आप रात में इन लाइटों की सहायता से काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस लोडर बैको के अंदर हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो नंबर 1 क्वालिटी का मटेरियल है, और आप देख सकते हैं कितना हैवी ड्यूटी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसको हमने डबल तो काफी दिख रहा है जी, इसमें हमने डबल चेचिस का यूज किया हुआ है, ये यहाँ पे इसका सिंगल चेचिस है और इसके बाद ये डबल चेचिस, पूरा आगे से पीछे तक मशीन को कसा गया है जिससे कि आपका कभी भी ट्रैक्टर डैमेज नहीं होगा, और ये हमने 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के ऊपर दिया हुआ है। तो भैया अभी हैं अपन केबिन के अंदर, और ये कुछ इस तरह से केबिन दिख रहा है देखो, और काफ़ी जगह है इसमें, ये सीट भी जेसीबी की तरह रोटेट हो जाती है और आप घूम के उस तरफ घुमा सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग सीट नहीं दी हुई हैं, बस ये कि इनके बीच का गैप कम होता है तो आपको खड़े होकर करना पड़ता है। ये देखो ये सीट घूम गई और आप पीछे बैठ के काम कर सकते हो, और विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, और ये इसका ग्लास है। सारे लीवर हमने इसमें बगल में ही दिए हुए हैं जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो अब अपन इसको चला के देखते हैं और कैसी परफॉर्म कर रही है वो देख लेते हैं फटाक से। चलो भैया चालू करो।
तो भैया ओरिजिनल फील्ड है ये, जहाँ पे अपन इसको टेस्ट कर रहे हैं, जैसे मतलब हर कहीं गड्ढा खोद के नहीं देख रहे हैं अपन, जहाँ प्रॉपर काम होना चाहिए उसी जगह पे अपन मशीन को लगाए हैं, और अब जो है प्रॉपर जो काम होना है बिल्कुल उसी तरीके से अपन मशीन को लगवा रहे हैं। भाई एग्जैक्टली ओरिजिनल फील्ड पे कैसा काम कर पाती है मशीन, वो अपन चेक करेंगे। स्टेबलाइजर पे खड़ी करो आप, हाँ भैया, मशीन ने काम चालू कर दिया अब, और अपना ऑपरेटर आ रहा है अभी। हाँ थोड़ा और पीछे से ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेटर से फोन कर दो, गाड़ी से आ रहा हो। तो भैया लोडर के टेस्ट के लिए तैयार हैं, और मशीन आ चुकी है। और लोडर चलाने में राजेश का कोई तोड़ नहीं, बहुत जबरदस्त सफाई से काम करता है। ट्राली भर दो, ट्राली ट्राली भर दो, ट्राली हाँ भर दे अंदर।